स्मार्ट सिटी भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था भी स्मार्ट होने वाली है। इसको लेकर शहर के प्रत्येक चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से चालान भी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर के पुलिस लाइन में कंट्रोल एंड कमांड बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है, जहां से शहर में ट्रैफिक की हर एक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन की नज़र रहेगी। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसको बनाकर तैयार किया गया है। वहीं डीएम की माने तो अगले माह से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कंट्रोल एंड कमांड बिल्डिंग शुरू हो जाने से ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के घर पर ई चालान पहुंच जाएगा। भागलपुर शहर में 14 जगहों पर सिग्नल लगाकर तैयार किया गया है। हालांकि अभी भी कई चौराहे ऐसे हैं जहां सिग्नल बंद पड़े हुए हैं। कई बार इनका ट्रायल भी किया गया लेकिन यह असफल साबित हुआ। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से तैयार कर शुरू किया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल पाएगा। साथ ही सभी चौक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरे ट्रैफिक गतिविधि पर नजर रहेगी। अगर आप बिना हेलमेट या सिग्नल को तोड़कर निकलते हैं तो आपका चालान घर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत स्थलों पे एनपीआर कैमरे नंबर प्लेट रीडिंग जो कर सकते हैं, ऐसे कमरे स्थापित किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में वो लोग चालू होंगे। और इसमें ये सभी चीज़ें जितने हमारे पब्लिक है जो कि रोड पर ट्रैवल करती है, पैदल भी ट्रैवल करती है और किसी गाड़ी पर भी चलती है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें की जा रही है। और फाइन लगाने का जो मकसद है वो लोगों को जागृत करना है कि भविष्य में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। विशेष तौर पर जब भी सिग्नल रेड हो, जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको क्रॉस नहीं करें। उसको क्रॉस करने पर वहाँ पे कैमरा स्थापित किए जा रहा है, जो भी क्रॉस करेगा और उस समय अगर सामने रेड लाइट है तो उनका नंबर जो है वो कैमरा कैप्चर कर लेगा और उस नंबर से रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे चालान भेजा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने जो आंकड़े कहते हैं कि जितनी हत्याएँ होती उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में डेथ करता है, तो उसमें मैक्सिमम जो है जो बाइक सवार होते हैं वो उसमें शामिल है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में मनचले युवकों द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के साथ छेड़खानी करते हुए पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना को लेकर पीड़ित आंगनवाड़ी सहायिका सरिता देवी ने बताया कि तिलकपुर गांव के मनचले युवक ललन कुमार उर्फ लालू, पुतुल कुमार उर्फ शिवम एवं रुपेश कुमार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र जाने के दौरान रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़खानी किया करते हैं। कई बार इन्हीं युवकों के द्वारा घर में घुसकर भी छेड़खानी का प्रयास किया गया है। महिला ने बताया कि आज आंगनवाड़ी केंद्र जाने के दौरान छेड़खानी करते हुए लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कौन लोग मारा है? क्या क्या नाम है? ललन कुमार तलाल नारी कृष्ण। कहाँ घर हुआ आपका? तिलकपुर वाटकास के आंगनबाड़ी में। अच्छा अच्छा क्या नाम आपका? सरिता देवी। कहाँ घर हुआ? आंगनबाड़ी कहाँ है? पछारी टना। वार्ड नंबर 12। वही लोग मारा है? कहाँ है मारा? कहाँ गलत के रोड में मारना है? गलत हो सच्ची था जा चल स्कूल जा रही है और छरखानी हरदम बोलते रह जी कुछ उस कुछ कुछ उस कुछ के बोलता है वही जसनी मार ला के नाम बोले रुपेश कुमार और ललन कुमार और पुतला। कहाँ का है? तिलकपुर का। तिलकपुर का। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में श्रावणी मेला के 24वें दिन गंगा घाट का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग सही नहीं करने पर कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। सिलीगुड़ी से आए कांवरिया ने बताया कि गंगा घाट में बैरिकेडिंग टूटने पर गंगा स्नान करने में काफी परेशानी हो रही है। गुरुवार को गंगा स्नान करने के दौरान कई कांवरिया गंगा नदी में डूबने से बाल बाल बच गए।
कांवड़ियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कांवड़ियों को गंगा स्नान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हर वर्ष आ रहे या पहले साल आते हैं, तो हर वर्ष की तरह जो गंगा घाट में जो तैयारी की गई थी वो तो देखने में सुंदर है, लेकिन थोड़ा और व्यवस्था होना चाहिए। जी जी, बैरिकेडिंग थोड़ा टूट गई है, उसको होना चाहिए। ध्यान नहीं दिया गया हुआ है इसके लिए। बाद नियंत्रण का जो लापरवाही है, यहाँ का प्रशासन का लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है। तो गंगा स्नान करने में आनंद है, ऐसा आनंद है गंगा स्नान में जो मौसम कांवरियों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर परेशानी होगी इससे? परेशानी तो होना ही होगी, सबको ही होगी। पुलिस जिला नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी गांव में एक युवक को खूंटे से बांधकर जमकर मारपीट करने और विधि व्यवस्था को हाथ में लेकर युवक के सिर का आधा बाल मुड़वाकर पूरे मिर्जाफरी गांव में घुमाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। वीडियो में उक्त युवक पर गांव की लड़की भगाने का आरोप लगा था। हालांकि माफीनामा के 4 माह बाद लड़कियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने के आरोप में ग्रामीणों ने आइसक्रीम बेचने वाले युवक को पकड़कर खूंटे से बांध दिया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसके सिर का बाल मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। सिर्फ टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर में सड़क हादसे में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान साकुंड थाना क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय त्रिवेणी मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक की बेटी कल्याणी देवी ने बताया कि प्रतिदिन की तरह उनके पिता बुधवार को साइकिल से राम मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए असरगंज PHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के JLNMCH अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ गुरुवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था, साइकिल से जा रहा था, राम मंदिर में रोज जाता था, इसलिए राम मंदिर में गया ना, तो इधर से अब क्या चीज़ से धक्का लगा था, साइकिल से जा रहा था, डेली जा रहा था तो डेली में कुछ नहीं होता था। कल जो गया था 7 बजे के लगभग में घटना हुआ था, वो घटना का हम नहीं देख सके कि हाँ कौन ढक कैसा हुआ कैसे, जैसे वहाँ है दुकान दौड़ी वहाँ खबर किया, खबर करने वाला वही खबर किया वहाँ से। चोट कहाँ लगी है? चोट यम है सर। हाँ, कहाँ लेके गए थे पहले? असरगंज ले गए थे। भागलपुर के खंजरपुर स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय में छात्रों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकल गया, जिसके बाद छात्र काफी आक्रोशित हो गए। छात्रों ने कीड़े वाले भोजन खाने से इनकार कर दिया। वहीं बच्चों के द्वारा सूचना मिलते ही कई अभिभावक भी स्कूल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों और उसके परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अभिभावकों ने कहा कि कीड़े वाला दूषित भोजन करने से उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। स्कूल में परिजनों के हाई वोल्टेज ड्रामे से घंटों अफरा तफरी मची रही। अभिभावकों ने समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। दरअसल सरकार द्वारा छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन अक्सर मिड डे मील में कीड़े निकलने की बात सामने आती है। एक पदाधिकारी आए थे, हम लोग की क्लास में आते तो बोले क्या जो भी खाना मिले खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला चलिए मम्मी भाई बोला चलिए बोला कि हमें जल्दी से फिर बोला ना लेके ले के मामला था। किस चीज़ का हंगामा हो रहा है? वहाँ बच्चों द्वारा बताया गया कि बच्चों को खाना में कीड़ा मिला, तो हम लोग आए देखे। आज का खाना सभी गार्जियन के बीच में भी अभिभावक ने खुद से देखा, कोई कीड़ा नहीं मिला है, बता रहे हैं कि पहले मिला है, लेकिन आज का खाना में कोई कीड़ा वगैरह नहीं मिला। भागलपुर शहर से सटी एक ऐसा गांव जहां लोग पंछियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। यहां के लोग घरों में नहीं बल्कि पेड़ों पर रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने बच्चों और जानवरों के साथ पेड़ों पर रहने को विवश हो जाते हैं। यह कहानी है जिले के सबौर प्रखंड के संत नगर बगडेर बगीचा की।
दरअसल जिले में प्रसिद्ध यह बगीचा चिड़ियों के घोंसलों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। पूरा जिला जब बाढ़ और कटाव की चपेट में आता है तो कटाव पीड़ित अपना आसियाना ढूंढने में लग जाते हैं। सबौर इलाके का बाबूपुर वो रजंदीपुर गाँव एक समय काफी बड़ा गांव हुआ करता था, जो धीरे धीरे गंगा के आगोश में समाते चला गया और लोग पेड़ों पर अपना ठिकाना ढूंढने लगे, जिसके बाद वहां के लोग संत नगर में आकर बस गए। यह इलाका निचली इलाका होने के कारण बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूब जाता है। यहां के लोगों का जीवन यापन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। न पीने का पानी, न शौचालय की व्यवस्था और न ही खाने का सामान। कैसे कटती होगी ये जिंदगी, यह सोचकर भी लोग हैरान हो जाते हैं। जिंदगी जीने की जद्दोजहद में ये लोग पेड़ पर खुद से आसियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने कहा कि अगर सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध करा दे तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। रंगदीपुर दिरा था, मास्क कट कर आए थे, यहाँ आकर के गाठ है, यहाँ गाठ पर रहते थे, यहाँ मचान बनाए हैं। और यार जो होता है सांप भी आता है मोटा मोटा, न लॉ का इंजाम सरकार दे रहा है, न पानी का साधन होता है भादों में, और न हमको जमीन देता है बसने के लिए। अगर जमीन सरकार ने दे देगा, डीएम ने ऑर्डर कर देगा, हम सब उच्चा भर करके रह सकते हैं बाल बच्चा। और लॉ भी नहीं है को सरकारी। यहाँ कितने साल पहले आए? यहाँ 15 साल हो रहा है। बाढ़ में मचान बना कर मचान बना के रहें, सत्तू गुंड एक दो किलो बना ले बा बच्चा के निमक पानी पिला के रखे। कोई साधन नहीं हो, कोई देखे नहीं आवे, खाना पीना नहीं दे, नहीं पानी मिले, नहीं खाना मिले। बड़का बड़का सांप बिच्छो आवे, वैसे ही बाल बच्चा लेकर रहें तब सर संपत्ति छोड़ी कहाँ जेबे। डर लगे की करबे, इतना उच्चो मचान से वही पर सब बाल बच्चा के रहें। धरो पर चले मोटका मोटका जगड़ एत मोटा मोटे। भागलपुर जिले में मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश नहीं होने से जिले में अभी तक 8% ही धान की रोपाई हो सकी है। सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा, रघुचक अनहार, मोथावाड़ी, आजाद नगर, कुमेठा, निसरपुर, बदामाचक, नया गांव, उधाड़ी, माधोपुर, सातपुर सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान बारिश नहीं होने से काफी परेशान हैं। किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह धान का बिचड़ा अपने खेत में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरार आ गया है और अब बिचड़ा भी बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर किसान के पास सिंचाई के लिए नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं होने से जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर भी किसान काफी आक्रोशित हैं। वहीं आक्रोशित किसान बिहार में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कर रहे हैं। परेशानी तो इतना है कि बोलने का बात नहीं, भगवान भी नहीं दे रहा है और सरकार भी कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ जो है, यहाँ चाहिए योगी ऐसा मुख्यमंत्री, तब जो है जनता का सफल होगा। ये नीतीश ऐसा नहीं, ये सरकार तो एकदम है गया गुजरा। क्या परेशानी है, क्या परेशानी तो यही है, पानी नहीं हो रहा है, भगवान भी नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार इसका व्यवस्था करे पानी का। काफी परेशान, काफी परेशान हूँ, मर रहा हूँ, अब क्या होगा। भगवान के भरोसे खेती होती है, यहाँ पर जो है सो बिचड़ा मर रहा है। हम लोग का जो है सो हालत पूरी तरह से खराब है। भगवान के भरोसे, इंद्र भगवान ने जो है सो कृपा अगर किया होता तो हम लोग का ये स्थिति नहीं होता, बिचड़ा नहीं मरता। खेत में तो बिचड़ा के खेत में बैठा हुआ हूँ और दरार फटा हुआ है, देखा जाए कि क्या परिस्थिति है। यही हमारा कहना है कि जो है भगवान कृपा करें और सरकार जो है सो पानी की व्यवस्था करे। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय बंदोबस्त, मुक्ति धाम के शुल्क, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के सुरक्षा एवं नगर परिषद के अपने सॉफ्टवेयर, नगर परिषद के संपत्ति संसाधन एवं भंडारण, जन्म एवं मृत्यु निबंधन प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा
पेंशन सहित कई एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने बताया कि 9 एजेंडे पर विचार करते हुए प्रस्ताव लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के द्वारा अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट की समस्या के बारे में दिए गए आवेदन पर प्रस्ताव लिया गया है। उन्होंने सभी प्रस्तावों पर जल्द ही धरातल पर कार्य होने की बात कही है। वहीं उप मुख्य पार्षद नीलम देवी ने कहा कि मुक्तिधाम के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी सहित सभी वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के सभी विभाग के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सामान्य वोट का यह सबसे अहम बैठक रहा, जिसमें 11 बजे से हम लोग अभी 6:30 हो रहा है। सभी माननीय पार्षद, उप मुख्य पार्षद, हमारे जितने कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, कार्यपालक पदाधिकारी, और आज बहुत खुशी की बात रही कि हमारे माननीय विधायक श्री ललित बाबू भी इस बोर्ड में की अध्यक्षता किए, और श्रावणी मेला के अवसर पर उनके द्वारा 2 दिन सुल्तानगंज के लिए रहा, जो कि उनके पत्र के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। तो आज हमारे यहाँ जो है कुल 9 एजेंडों पे बात की गई, और उसका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए जो है कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में कार्यालय को निर्देशित किया गया। भारत गैस एजेंसी की ओर से अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए गुरुवार को सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कचहरी चौक स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम में भारत गैस एजेंसी के बिहार झारखंड हेड अजय कुमार मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने ग्राहकों को भारत गैस सिलेंडर की सुरक्षा विशेषताओं और सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्राहकों को सिलेंडर का उपयोग करने से पहले उसकी जांच करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं सेफ्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे प्लांट में जो मशीनें लगी हुई है उसमें सारे सिलेंडर चेक होने के बाद ही ग्राहकों तक जाता है। उन्होंने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि ग्राहक डिलीवरी बॉय से सिलेंडर लेने से पहले सिलेंडर की जांच अवश्य करवा ले। भारत गैस के बिहार में लगभग 61 लाख ग्राहक हैं और हमारे 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स बिहार में स्थित हैं। आज का प्रोग्राम भारत गैस के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सुविधा को बढ़ाने के हेतु है, सुरक्षा बढ़ाने के हेतु है, और जिससे कि उनका विश्वास हमारे प्रति बढ़े। इस सीरीज में हम लोगों ने कस्टमर से एक अपील की है कि वो सिलेंडर बुक करें। हमारे कस्टमर्स सिलेंडर बुक करते हैं, लगभग 30-35% कस्टमर्स हमसे सिलेंडर बुक करते हैं। तो जो सिलेंडर बुक नहीं करते हैं उसको हमारी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो हम लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से देते हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो हमारा जो आज का जो सुविधा कस्टमर को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली कड़ी ये है कि कस्टमर को सिलेंडर बुक करना चाहिए। हमारे सिलेंडर बुकिंग करने के बहुत सारे चैनल्स हैं। IGRS के माध्यम से कस्टमर बुक कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर कस्टमर लॉगिन करके बुक कर सकते हैं, हमारी भारत गैस की वेबसाइट है www.ebharatgas.com।